नमस्कार दोस्तों, मैं भोलू जहांगीर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपना सुल्तानपुर पर। खबर है सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में एक कलयुगी मां ने अपनी 9 वर्षीय बेटी का गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी लगते ही पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस पड़ताल में जुट गई है। आपको हम बता दें कि दरअसल ये पूरा मामला है सुल्तानपुर जिले के चाना कोतवाली क्षेत्र के कोयरीपुर का। इसी गांव में 9 वर्षीय परिधि अपनी मां नीलू के साथ नलिहाल में रहती थी। परिधि के पिता राहुल पांडे का पहले ही देहांत हो चुका था। आज सुबह किसी बात को लेकर परिधि की मां नीलू ने उसे गले पर चाकू मार दिया। आनंद फानन में परिजन उसे चाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहाँ हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे सुल्तानपुर रेफर कर दिया। परिजन परिधि को सरकारी एम्बुलेंस से सुल्तानपुर जिला अस्पताल ला रहे थे, लेकिन रास्ते में मुंह से खून आने लगा, जिस पर उसे लंबुआ CHC लाया गया। वहां भी डॉक्टरों ने उसे तत्काल सुल्तानपुर जिला अस्पताल ले जाने के लिए कहा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सरकारी एम्बुलेंस का ड्राइवर और AMT मौके से नदारद हो गया था, जिसके थोड़ी ही देर बाद परिधि की मौत हो गई। वहीं परिधि को अस्पताल लाने वालों की माने तो उसकी माँ सब्जी काट रही है और अचानक घूमने से चाकू परिधि के गले में लग गया। बहरहाल सूचना पर सक्रिय पुलिस परिधि के घर के लिए रवाना हो गई और मामले की पड़ताल कर रही है। ब्यौरा रिपोर्ट, भोलू जहांगीर, अपना सुल्तानपुर न्यूज। नाम है आपका? शिव पूजन ओझा। क्या मामला है? मामला एक सी माँ सब्जी वगैरह काट रही थी, उसके मैं आई तो थोड़ा सा उसने घुमाया तो चाकू पर लग गई। उसके बाद हम चांदा लेके चांदा से रेफर किए सुल्तानपुर के लिए। जो एम्बुलेंस के डॉक्टर थे उन्होंने जब ब्लड आने लगा तो उन्होंने बोला कि यहाँ चाहता हमें एक बार लम्हुआ में दिखा लेते हैं, कुछ इंजेक्शन लगवा लेंगे। इंजेक्शन की बात नहीं, इंजेक्शन लगा देते हैं, उसके बाद ब्लड कम हो जाए फिर लेके सुल्तानपुर चले गए। तो क्या हुआ, एम्बुलेंस वाले क्या किए? एम्बुलेंस वाले यहाँ लेके आए, हम उतारे, उसके बाद जब तो पेशेंट साथ रहने लगे। वो कब लेके चले गए हमें पता नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट भी यहाँ नहीं रुके वो। एम्बुलेंस वाले चले गए यहाँ से छोड़ के? ठीक। बोले ना कि उनको हम बोले डॉक्टर नाक से खून आ रहा है, तो बोले हम चल के लम्हुआ में एक आधा इंजेक्शन लगवा लेते हैं, थोड़ा ब्लड वगैरह कम हो जाएगा गिरना, उसके बाद हम सुल्तानपुर लेके चले गए। चांदा में कुछ किए थे? चांदा में केवल पट्टी वगैरह बांध दिए थे और क्या ग्लूकोज वगैरह। वैसे ये जो अभी हादसा हुआ है ये लम्हुआ का है या कहीं अन्य था? ये कहीं और का है, उसके परिजन के द्वारा पता चला है, कोयरीपुर का केस है और ये चांदा से पेशेंट रेफर किया गया था जिला हॉस्पिटल सुल्तानपुर के लिए, पर एम्बुलेंस ड्राइवर ने उसको यहाँ पे लाया CHC लम्हुआ में, जिसको हमने देखते ही तत्काल उसे जिला अस्पताल भेजने के लिए कहा। एम्बुलेंस ड्राइवर भी था और उसका MT भी था, लेकिन जब मैंने ये कहा वो एम्बुलेंस ड्राइवर और उसका MT दोनों 5 मिनट के अंदर यहाँ से गायब हो गए। गायब होने के कारण कुछ पता नहीं है। इससे पहले भी क्या ऐसी हरकत? हाँ, ऐसी इसके पहले भी हरकत हुई थी। एक दिन एक केस हुआ था, गाड़ी इनकी आई थी यहाँ पे कैंपस में खड़ी हुई थी और यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। हमने कहा कि तत्काल इसको लेके जाइए, फिर वो एम्बुलेंस वाला ड्राइवर गाड़ी ना ले जा, पेशेंट ना ले जा के गाड़ी लेके मूव कर गया यहाँ से, कैंपस से बाहर चला गया। ये तो अनुशासन की। मैंने इनके सुपरवाइजर को सूचित किया था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि गैस भराने के लिए गए थे। गैस कैंपस में कहाँ भरी जाती है? अगर गैस भरानी है तो आप कैंपस में क्यों आए थे? ठीक। उसके बाद उन्होंने कहा उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। आज फिर ऐसे हुआ, इनके सुपरवाइजर से बात किया, इन्होंने कहा आधे घंटे तक वो था, जबकि यहाँ तो 5 से 7 मिनट था। हो सकता है वो 5-7 मिनट यहाँ रह करके बाहर निकाल के गाड़ी जो है भाई GPS तो उनका यही बताएगा गाड़ी आधे घंटे। वो जो एक केस लेके आते हैं उसमें हम लोगों की साइन होती है रिसीव कराने के लिए, वो बगैर साइन कराए ही भागती है।